हेलो प्रणाम नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आप सब लोग देख सकते हो आज हम लोग आए हैं नेपाल और आप लोगों को दिखाते हैं नेपाल का बस अड्डा, जहाँ से आप लोग काठमांडू जा सकते हो और कहाँ कहाँ जाती हैं बसें, सारा कुछ पूछ करके बताते हैं और आप लोगों को नेपाल का बस अड्डा दिखाते हैं। तो आप लोग वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, कंटिन्यू बने रहिएगा। एक बस जा रही है काठमांडू, आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये बस देख सकते हो यात्री लोग खड़े हैं, ये बस जा रही है काठमांडू दारचूला बुटवल काठमांडू। आप लोग देख सकते हो दोस्तों यही बस जा रही है काठमांडू, यात्री लोग खड़े हैं, इसका टाइम होगा जो तभी जाएगी। ये जोशी ब्रदर कौन सी बस है, हमारे सर बता रहे हैं पढ़ के नेपाली में, आप लोग सुनिए कौन सी बस है। जोशी ब्रदर्स महाकाली श्री मस्त मालिका देवताले हामी सबै कौर अच्छा करुण महेंद्र नगर अत्तरिया गोकुलेश्वर लटीनाथ दारचूला होते हुए ये काठमांडू जाएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हो नेपाल में बस का नंबर कैसे पड़ता है, ये मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। जिसकी समझ में आए वो कमेंट में ज़रूर बताना ये कितना नंबर लिखा हुआ है। ना खा तो समझ में आता है, 10 आगे वाला नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है। जूम करके दिखाते हैं दोस्तों, ये है नेपाल का बस अड्डा। दोस्तों यही है नेपाल का बस अड्डा, ये बस आप लोग देख सकते हो लगी हुई है पवन धूत यातायात प्राइवेट लिमिटेड और ये जाती है श्री गल्ला केदार दर्शन के लिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये नेपाल में भेड़े हैं, देख सकते हो आप लोग ये इंडिया है मतलब धारचूला है और ये आप लोग इंडिया का लास्ट शहर भी कह सकते हो जो नेपाल और चीन के बॉर्डर पर बसा हुआ है, इस सामने दिख रहा है। और ये है काली नदी जो आप देख पा रहे हैं और ये अपना इंडिया है प्यारा सा और ये प्यारा सा नेपाल है और ये नेपाल का बस अड्डा है, देख सकते हो आप लोग मैदान के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितनी कम बसें होती हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में कंटिन्यू, अभी मतलब टिकट मैन से पूछ करके बताते हैं कि काठमांडू का किराया वगैरह कितना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी जानकारी आप लोगों को देंगे। तो चलिए बस अड्डा तो आप लोगों ने देख ही लिया, ये बसें खड़ी हुई हैं, चलिए पूछ के बताती हूँ काठमांडू वगैरह का किराया वगैरह कितना है और यहाँ से बसें कहाँ कहाँ तक जाती हैं। केदार दर्शन के लिए तो जाती हैं आप लोगों ने देखा, ये पूरा व्यू है एकदम नदी के किनारे है। देख सकते हो आप लोग मैदान के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसे टिकट घर है, यहाँ पे टिकट मिलता है बस का और ये है बस का टाइम जो बिहान मतलब सुबह 5:30 जाती है महेंद्र नगर और फिर बिहान 7 काठमांडू जाती है, बस दो ही जगह जाती है। तो ये टिकट वाले भैया हैं, इनसे पूछते हैं क्या किराया वगैरह है। ये भैया बता रहे हैं काठमांडू का टिकट है 4500 और महेंद्र नगर का 1600। तो जो लोग इंडिया से नेपाल होते हुए जाना चाहते हैं काठमांडू, वो लोग यहाँ टिकट मिलता है और बस अड्डा आप लोगों को मैंने दिखाया ही, तो वहाँ जाके आप आराम से जा सकते हो। ये भैया ने बताया जो किराया वो नेपाल में था और इंडियन में कितना है, महेंद्र नगर का 1000 रुपया
और काठमांडू का 2700 रुपये, ये इंडियन में है। और जो पहले बताया वो था नेपाली में, तो देख सकते हो भैया टिकट यहाँ पर दे रहे हैं, देख सकते हो आप लोग हमारी बेबी खेल रही है यहाँ। बेबू हटो, बेबू हटो। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये बुकिंग काउंटर है खलंगा धारचूला, इंडिया में है धारचूला और नेपाल में है धारचूला। नेपाल में दोस्तों अभी भी वो हिंदी लिखी जाती है, गिनतियाँ देख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों ये है बुकिंग के लिए, यहाँ पर भैया जो ये बैठे हैं ये बुकिंग करते हैं। और जिसको इंडिया से या नेपाल से जाना है काठमांडू वगैरह, तो आराम से यहाँ आके बुकिंग करके भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या जानकारी अच्छी लगी, तो हमारा चैनल है नया ज्ञान शांति ब्लॉग, उसको जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके बताएं हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि जो लोग जाना चाहते हों काठमांडू, तो उन लोगों के लिए आसान हो सके। तो मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।